नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जब से योगी सरकार 2.0 का गठन हुआ है, तब से दोस्तों ग्रामीण स्तर पे काफ़ी सारी योजनाएं क्रियान्वित करने का सरकार का एकमात्र लक्ष्य दिखाई देता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत जो होती हैं अपनी, उसमें स्मार्ट सुविधाएं करने की बात कही जा रही है, अर्थात वाईफाई लगाने की बात कही जा रही है। 50 मीटर के दायरे में कोई भी फ्री वाईफाई का मजा ले सकता है, और जिनका घर 50 मीटर से दूर है तो 50 मीटर के दायरे में आकर के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से दोस्तों न्यूज को कवर करेंगे, काफी अच्छी खबर है, आप लोगों को काफी खुशी होगी। और ये सब संभव हो पाया है 58,189 पंचायत सहायक जब से लगे हैं, है ना। तो ये चीजें और भी तेजी से बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। पहले न्यूज को कवर करते हैं, फिर चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। लिखा है स्मार्ट गांव योजना के तहत प्रदेश के सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में, आपको ध्यान रखना है 58,189 ही ग्राम पंचायत अपने उत्तर प्रदेश में, तभी 58,189 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पंचायत सहायक थे उनका चयन किया गया था। सचिवालय से, यानी कि जो ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया गया है जहाँ पर पंचायत सहायक बिठाए गए हैं, सचिवालय से 50 मीटर के दायरे में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम विकास एवं सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बाबत जरूरी कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने गाँव को स्मार्ट बनाने की योजना बनाई है, इसके तहत प्रत्येक गाँव यानी ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की तैनाती की जा रही है, जो कि हो चुकी है। विभिन्न प्रमाण पत्र, दस्तावेज, अभिलेख भी ग्राम सचिवालय से उपलब्ध कराने की योजना है। ग्राम सचिवालय विभिन्न दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कराने और गांव में नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। शासन ने इसके लिए हर ग्राम पंचायत सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हमने दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, यानी कि कल ही वीडियो डाला था वो, जिसमें बताया था कि 20,000 महिला सखियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें जो जल सखियां रहेंगी, मतलब गांव में उनका अलग अलग तरीके का काम रहेगा। हमने उस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो ये काफ़ी सारी योजना ग्रामीण स्तर पे दोस्तों देखने को मिल रही है। मतलब सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर के लोगों को या ग्रामीण स्तर की महिलाओं को मुख्य धारा में, यानी कि रोजगार के क्षेत्र में कैसे लाया जाए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साधन बहुत ही कम हैं। तो सरकार काफ़ी सारे काम इस क्षेत्र में कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा 58,189 सैलरी भले ही 6,000 रुपये थी इनकी, है ना, इसके अलावा 58,000 ही बीसी सखी लगाई गई थी, उसके अलावा 22,000 मेट महिलाएं लगाई गई थी, उसके अलावा 40,000 जो शौचालय में महिलाओं सफाई वफाई देख रेख के लिए लगाई गई थी, इसके अलावा 20,000 सखियों की बात और कही जा रही है ना। तो अलग अलग तरह के लाखों पद आपको देखने को मिलते होंगे ग्रामीण स्तर पर। अगर इस तरह के पद दोस्तों महीने 6 महीने के भीतर आते हैं, 50,000, 40,000, 20,000, तो ये काफ़ी अच्छी खबर ग्रामीण महिलाओं के लिए हो सकती है, ग्रामीण पुरुषों के लिए हो सकती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कोई भी अपडेट होती है दोस्तों हम अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से अवगत कराने की आपको कोशिश करते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और दोस्तों में भी शेयर करिए। आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।